सर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ वैश्य गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे और खबर सबसे पहले देखेंगे गरियाबंद से। गरियाबंद में किडनी मरीजों के इलाज के लिए किए गए सरकार के तमाम दावे अब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला देवभोग से भी सामने आया है, जहां पर किडनी पेशेंट जगदीश अग्रवाल 3 साल पहले उसकी दोनों किडनियां खराब होने के बाद डायलिसिस पर वो है। उनके पिता ने अपनी एक किडनी देकर उसकी जान बचाई, लेकिन कुछ दिन के भीतर ही डोनेट की गई किडनी खराब हो गई। तब से लेकर आज तक पिछले 2.5 सालों से जगदीश डायलिसिस पर ही निर्भर कर रहा है और सप्ताह में 3 बार उड़ीसा के भवानीपटना जाने के लिए वो मजबूर है और अब तक 50 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आ चुका है। जगदीश और उसके परिजनों का आरोप है कि 1.5 साल से देवभोग अस्पताल में डायलिसिस की मशीन रखी हुई है, लेकिन चालू नहीं की गई है, जिसका खामियाजा सुपेबेड़ा और आसपास के गांव के किडनी मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। अगर शासन की व्यवस्थाएं बेहतर हो जाए तो मरीजों को इतनी भारी भरकम रकम नहीं खर्च करने की नौबत आएगी। 3 बार हमको आगे तक ना जाना पड़ा डायलिसिस के लिए और आर्थिक स्थिति भी खराब है, मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है दिन पर दिन। परिवार वाले भी परेशान होते जा रहे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं मेरे, वो भी परेशान हो रहे हैं ना, उनके पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहा हूँ। देवभोग में डायलिसिस की सुविधाएँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ साथ मेरे भाइयों लोग और भी जो किडनी के पेशेंट हैं उनको भी सुविधा मिल जाएगी, यही मेरा मन सरकार से यही आशा करता। डोनर होने के बावजूद भी हम लोग को डायलिसिस में आना पड़ा, उसके बाद भी यहाँ पे हमको कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हमको उड़ीसा जाके 70 किलोमीटर यहाँ से डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, हर हफ्ते 3 बार दिन में जाना पड़ता है 3 बार। अभी खर्चा क्या है जी, भाई लोगों ने साथ में सहयोग कर रहे हैं और थोड़ा बहुत चल रहा है जैसे जैसे करके। यहाँ पर सीएससी हॉस्पिटल में अजय चिल्लाकर स्वास्थ्य मंत्री जी से उनके द्वारा यहाँ पर डायलिसिस का मशीन लगाया गया था, परंतु आज तक कोई ऑपरेटर नहीं होने से वो आज तक बंद है। तो हमारा माननीय भूपेश बघेल सरकार से मेरा निवेदन था कि यहाँ पर अगर डायलिसिस मशीन चालू हो जाता तो मेरे ऐसे भाइयों के अलावा और भी भाई लोग का उनका जीवन और लॉन्ग टर्म तक जीवित चला सके। तो देवभोग के मरीज की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं, एक किडनी को डोनेट किया गया लेकिन स्थिति देखी है कि डायलिसिस मशीन है लेकिन ऑपरेटर नहीं है और ऑपरेटर नहीं है इसलिए मशीन नहीं चलाई जा सकती और जिसका खामियाजा अब स्थानीय लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। सत्यनारायण अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो मरीज के परिजन हैं। सत्यनारायण जी, क्या कुछ दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? जैसे कि हमने आपकी बाइक भी सुनी है कि डायलिसिस की मशीन है, ऑपरेटर नहीं है, जिसकी वजह से खर्चा भी हो रहा है और मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी हो रहे हैं। मैडम ये है, हम लोग 5 भाई हैं। जी जी जी। और ये हमारे सबसे बड़े भैया हैं और ये इलाज में मतलब ये क्या है, किडनी फेल होने के कारण मैडम यूरिन इन्फेक्शन से किडनी फेल हो गया भैया का। और उसके पश्चात जो है हमने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया विशाखापट्टनम में, मेरे पिताजी ने अपना डोनेट किया एक किडनी। उसके बाद ये लगभग आज से ये किडनी लगभग 2.5 साल काम किया मैडम और अभी लगभग 3 महीना पहले ये किडनी फेल हो गया है जी। अच्छा, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? कलेक्टर से आप लोगों की बात हुई होगी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव क्योंकि बेहद ही संवेदनशील मंत्री हैं इस विभाग के, क्या उन तक आप लोगों ने अपनी गुहार लगाई कि डायलिसिस मशीन है लेकिन परेशानी यह है कि ऑपरेटर नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों को इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? इस बात का मुद्दा मैंने जब राज्यपाल महोदय जी हमारे यहाँ छुपेबड़ा आई थी, साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे, मैंने वहाँ पर लेटर लिखा था लिखित रूप से और खुद माइक में बताया था, उनके सामने खुद उनके हाथ में लेटर दिया था मैंने और बताया था कि सर यहाँ पर डायलिसिस बस की असुविधा हो रही है और बाकी पेशेंट लोगों को भी तकलीफ हो रही है और प्लस यहाँ किडनी की दवाई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, मेरे को बाहर से दवाई लानी पड़ रही। तो माननीय महोदय जी से मेरा निवेदन था कि यहाँ पर डायलिसिस मशीन चालू की जाए और प्लस यहाँ पे जो किडनी से पेशेंट, जैसे मेरे को दवाई की जरूरत थी मैं बाहर से परचेज कर रहा था, लगभग मंथली मेरे को 8 से 9 हजार रुपए का मंथली दवाई खरीदना पड़ रहा था मैडम,
तो मैंने ये सब चीजों को बताया था, तो माननीय महोदय के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया और कोई जानकारी मत सिर्फ हो जाएगा बताए। और जब मैं इस संबंध में जब सीएससी देखो गया था, आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ सीएमएचओ नवरत्न जी जुड़ गए। नवरत्न जी बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया जुड़ने के लिए। नवरत्न जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ हाँ जी हाँ। नवरत्न जी, डायलिसिस मशीन ऑपरेटर नहीं है, जरा बताएंगे क्या दिक्कतें आ रही है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी पहुंचे हुए थे गरियाबंद और साथ ही महामहिम भी पहुंची हुई थी, उसके बाद भी ये स्थिति है, क्या कर रहे हैं आप लोग, पूरा अमला क्या कर रहा है? जी हाँ, वो उसमें जो है इंडियन नेफ्रोलॉजिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर विवेकानंद झा भी आए थे जी, और आए थे सर, सुन लीजिए ना, आप मेरा सवाल नहीं समझे हैं शायद, आए थे, सब कुछ बोल दिया, लेकिन अभी तक ऑपरेटर क्यों नहीं आया? आपको पता है एक मरीज की किडनी जिसको ट्रांसप्लांट की गई थी, उसकी किडनी फेल हो गई, डायलिसिस करने के लिए उसको उड़ीसा जाना पड़ता है, 70 किलोमीटर दूर सफर करना पड़ता है। जी हाँ, उस दिशा में कार्य हो रहा है। एक्चुअल में क्या है, जो स्पेशलिस्ट हमारे पास होना चाहिए वो अभी थे नहीं, और उसकी व्यवस्था की जा रही है शासन के द्वारा, वो जल्द हो जाएगा इस माह। सर, जिम्मेदार पद पे बैठे सीएमएचओ हैं आप, नवरत्न जी आप तनिक बात की गंभीरता को और मरीज की क्रिटिकल स्थिति को समझिए। आप कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं थी, अगर व्यवस्था नहीं थी तो इतना लंबा वक्त क्यों लगा? मतलब आप यहाँ पे राज्य शासन के आदेशों की अवहेलना यहाँ पे की गई, माननीय आप सुन लीजिए नवरत्न जी, सुनिए ना, प्लीज प्लीज सुनिए, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू हम्बली। महामहिम पहुंची हुई थी, महामहिम ने पीड़ित परिजन और तमाम गरियाबंद में जो भी किडनी की बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनके आवेदन लिए, उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी, उनके आदेशों की अवहेलना, स्वास्थ्य मंत्री पीएस सिंहदेव इतने संवेदनशील मंत्री, आप बता दीजिए ऑपरेटर नहीं था, 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है पीएस सिंहदेव जी के और महामहिम के दौरे को लेकर, क्या 4 महीने में आप एक ऑपरेटर नहीं ला पाए? मैडम, डायलिसिस करने के लिए जो है 1 साल का एक्सपीरियंस वाला वो चाहिए रहता है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर 1 साल का एक्सपीरियंस वाला कोई कैंडिडेट या ऑपरेटर नहीं था तो आपने स्क्रूटनी के लिए और कौन से कदम उठाए कि बाहर से आउटसोर्स किया जाए? ऐसे तो आप लोग तमाम चीजों के लिए बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं, जहाँ पे जिस जगह जरूरत है वहाँ पे आउटसोर्स कर लेते हैं सर आप लोग। जी, उस मैटर पे भी बात हो गई है मैडम शासन से, हम लोग सर आप मुझे बस ये बताइए, हर मैटर पे बात हो गई लेकिन समस्या का निराकरण क्यों नहीं, आप बताइए। माह के अंत तक हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, और दवाइयों की भी कमी है? दवाई हाँ, दवाइयाँ भी पूरी व्यवस्था हो गई है दवाइयों की। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अग्रवाल जी, यहाँ पे नवरत्न जी कह रहे हैं कि दवाइयाँ तो मिल रही हैं, आप ही लोग नहीं ले रहे हैं, जरा बताइए कि आप लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं? नहीं मिल रही है सिस्टर। हाँ, जब मेरे द्वारा राज्यपाल महोदय जी को जब लेटर दिया गया था और स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री वहीं पर उपस्थित थे, तो उनके द्वारा कहा गया था व्यवस्था कर दी जाएगी दवाइयों की, तो मेरे द्वारा पूरा प्रिस्क्रिप्शन प्लस दवाइयों का पूरा रिपोर्ट, मेरा एप्लीकेशन पूरा दिया हुआ था। तो मैं जब इस संबंध में जब सीएससी गया, वहाँ पर बीएमओ साहब से बात किया, तो बीएमओ साहब का कहना था कि आपका लेटर हमारे लिस्ट में नहीं है। बताइए नवरत्न जी, बीएमओ तो ये कह रहे हैं कि लिस्ट में नहीं है, जब सीधे सीधे महामहिम को आवेदन दिया गया, लेटर दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया, तो ये नेग्लिजेंसी देखिए कि बीएमओ कह रहे हैं कि लेटर ही नहीं है। थी, सारी दवाइयाँ मिल चुकी है, अब वो कोई नया आदमी बाहर कोई ग्रह से टपक के आ जाएगा तो हम कहाँ से? सर कैसे आप कह सकते हैं, हाउ कैन दैट पॉसिबल कि कोई नया आदमी बाहर से ग्रसित होकर टपक के आ जाएगा? टपकना क्या होता है सर? टपकना क्या होता है, टपकना क्या होता है, टपकना क्या होता है, बताएं आप जरा मुझे। जो भी आदमी कह रहा है मुझे नहीं मिला, वो थ्रो प्रॉपर चैनल हमसे या बीएमओ से संपर्क करना चाहिए, तब तो हम उनको दे पाएंगे। सब बीएमओ तो ये जानकारी दे रहे हैं, हम हाउ आई कैन बिलीव बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग रेगुलर मेडिसिन। सर आप इफ यू आर नॉट बिलीविंग दैट पर्सन सो आई एम टेलिंग यू अ वन थिंग, इसका मतलब ये है कि आप महामहिम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और आप स्वास्थ्य मंत्री, आप स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। सारी मेडिसिन नहीं, आप स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कैसे किसी पर भी यकीन कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आप राज्यपाल के भी दौरे पर सवाल उठा रहे हैं, आप माननीय मंत्री जी टीएस सिंहदेव जी के भी दौरे पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी नहीं, जी हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कर रहे हैं। एवरी मंथ हम वी आर प्रोवाइडिंग द मेडिसिन।
सर अगर आप प्रोवाइड करवा रहे अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो मेडिसिन मिल क्यों नहीं रही हैं? हाँ तो किनको नहीं मिला ये हमें अग्रवाल जी जरा बताइए आप अग्रवाल जी आपके भाई का डायलिसिस होता है इनको थोड़ी सीएमएचओ साहब को थोड़ी जानकारी दीजिए आप जरा जी जी हाँ बताइए जी बताइए अग्रवाल जी सर आप आपके जो रिकॉर्ड में है ना सर आपके वहाँ जब रिकॉर्ड में जाएंगे ना तो मेरा वहाँ जब डेढ़ दो साल से हम वहाँ पर मेडिकल ब्लड टेस्ट करवा रहे थे तो वहाँ पर रिपोर्ट आया है आप देख के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सर। और इसके अलावा मैं एक बात हमसे मिलना चाहिए बीएमओ से मिलना चाहिए हम लोग तो गांव में पहुंचा के दे रहे हैं दवाइयां सर मैं देवभोग में रहता हूं सर जी मैं देवभोग में रहता हूं सर कम हमको बताते हैं हम लोग तो हर महीने शिविर कराते हैं किसको क्या दवाई नहीं मिली हम लोग खोज खोज के दे रहे हैं दवाइयां बाप शिकायत कर रहे हैं दवाई नहीं मिली सर मैं एक सिविल लॉयर हूं सर और जो सीएसपी हॉस्पिटल है ना देवभोग में वो जस्ट कोर्ट के फ्रंट में है सर। हाँ हाँ जी हाँ आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए आपको मेरे और, तो एक बार बताना था क्या दवाई आपको नहीं मिली मैं तुरंत आपको घर में और डीएमओ साहब सीएमओ साहब और आपके जो सोनवानी मैडम जो भी है ना सर भारती सर सब कोर्ट में बयान देने आते हैं सर सब जानते हैं वो मेरी बात को अब बताइए नवरत्न जी मैं डीएमओ से बात करता हूँ आपको हॉस्पिटल मेडिसिन पहुँचवाता हूँ। नवरत्न जी देखिए हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो पीड़ित है और राज्य सरकार के द्वारा अगर योजनाएं संचालित की जा रही हैं तो क्योंकि आप जिम्मेदार अधिकारी हैं आप जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं और आप संवेदनशीलता समझते हैं क्यों हम आपसे सवाल जवाब करें। मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि जिस उद्देश्य से आप लोगों की पदोन्नति इन क्षेत्रों में की गई है उस उद्देश्य को पूरा होना चाहिए क्योंकि अगर वो उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं तो सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़ा होता है और उन तमाम योजनाओं को पलीता लग जाता है जो योजनाएं जो जनहित के लिए संचालित की जाती है। आप एग्री तो करते होंगे ना नवरत्न जी इस बात से? जी 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 मैडम जी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बातचीत करने के लिए। और अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अग्रवाल जी आप कुछ बोल रहे हो संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैडम मेरा ये कहना था मेरे को अभी भैया का ब्लड कम हो गया है मैडम तो मेरे को 900 रुपए में एक दवाई बढ़ाने के लिए यहाँ पे नवरत्न जी ने कहा है ना कि जो भी तमाम दिक्कतें हैं आप जाके उनके संज्ञान में इन तमाम चीजों को लेके आइए जिससे उनको भी पता चले कि क्या नेग्लिजेंसी है और कहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है उनके संज्ञान में होगा तो समस्या का निराकरण भी निकलेगा। बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी आप हमारे साथ जुड़े बातचीत के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे नरसिंहपुर के